हमारे साथ प्रेम खन्ना भी हैं और पटना वेटरन लीजेंड्स के और स्टेट ड्राइव के वाइस प्रेसिडेंट हैं। जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कमी रह रही है बिहार क्रिकेट में। देखिए, बिहार में चूँकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ा हुआ है और बहुत काम करने की ज़रूरत है। सरकार द्वारा जो भी बॉडीज़ हैं उनके द्वारा जितना काम किया जा रहा है वो पर्याप्त नहीं है, और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत काम करने की ज़रूरत है। स्टेट ड्राइव ये कंपनी है, ये स्टार्टअप है और एक स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा बनाई गई कंपनी है। इस कंपनी का मुख्य उद्देश्य है स्पोर्ट्स को प्रमोट करना। स्पोर्ट्स प्रमोशनल कंपनी है ये न सिर्फ क्रिकेट बल्कि सभी खेल, बैडमिंटन हुआ, वॉलीबॉल हुआ, टेनिस हुआ, गोल्फ हुआ, कबड्डी हुआ, ये नेशनल लेवल के जितने गेम्स हैं उसमें उस दिशा में। अभी तो ये वेटरन लीजेंड्स का मैच आप देख रहे हैं, इसके पहले हम लोगों ने पिछले हफ्ते में लड़कियों का मैच कराया था जो कि पहली बार हुआ, पटना वुमेन्स इन्विटेशन क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से हमने कराया और उसमें न सिर्फ पटना की बल्कि पटना से बाहर बिहार के सुदूर क्षेत्रों से लड़कियां आईं। हम लोगों ने फरवरी महीने में उनका ट्रायल टेस्ट किया था, 88 लड़कियां आईं, उन्होंने अपना ट्रायल दिया, उसमें से 4 टीमें बनी, चारों टीमों ने 6 मैच खेले और उसके बाद 7वां फाइनल मैच हुआ और बहुत ही अच्छा मैच रहा और बहुत ही अच्छा संदेश गया कि हम लोग लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। महिला दिवस था 8 तारीख को, उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये काम किया और जिस वक्त पुरस्कार वितरण समारोह हुआ तो हमारी मेयर सीता साहू जी आईं, डिप्टी मेयर रेशमी कुमारी जी आईं और श्रीमती रुचि अरोड़ा आईं जो कि कैट की महिला विंग की अध्यक्ष हैं, और एक श्रीमती फरहा खान आईं जो रजा ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर हैं। इन सब लोगों ने पुरस्कार दिया, लड़कियों में इतना हौसला बढ़ा कि बताने लायक नहीं है। बहुत ही सब लोग प्रोत्साहित हो गए और हम लोग आगे भी इस काम को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम खन्ना जी आपका। और तो आपने सुना, जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि स्टेट ड्राइव एक स्टार्टअप है सभी खेलों को बढ़ावा देने के लिए। अब देखना कि ये स्टार्टअप कितना आगे तक जाता है। और इसी बीच कुछ दर्शक भी बैठे हैं जो VIP लाउंज में हैं, जरा उनसे भी जान लें कि किसके सपोर्ट में हैं। ये दो टीम में कौन कौन थी मैच देख रहे हैं? जी हाँ, किसका सपोर्ट कर? फिलहाल रेड वाले का सपोर्ट में हम लोग हैं। रेड वाले का जी? क्यों? आखिर रेड वाले मुझे लगा बैटिंग वो अच्छा कर, नहीं बैटिंग अच्छा कर रहे थे, लगा कि वो उन्हें जीतना चाहिए। किसका सपोर्ट कर रही है, किसको जीतना चाहिए? हमको तो रेड वाले लग रहे हैं, हम लोग उन्हीं के सपोर्ट में। अभी रेड वाले के सपोर्ट? घर से कोई खेल रहा है क्या? नहीं, कोई नहीं। किसके सपोर्ट में है? सेम रेड, वी ऑल आर फैमिली सो रेड सपोर्ट कर रहा है सब, तो हम भी रेडी। निश्चित तौर पे घर से कोई खेल रहा है? नहीं नहीं नहीं, कोई अच्छा खेल नहीं रहा है, अच्छा वो लोग खेल रहे हैं इसलिए हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छे खेल का सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ। अच्छा। तो रेड वाले तो मैंने क्या क्या अपना सोच रही है, पहुँच जाएंगे, जितने पार कर लेंगे उस आंकड़े को? होप सो, लेट्स सी। क्रिकेट समझ में आता है? थोड़ा बहुत जी। क्या देखते हैं। नो बॉल कैसे होता है? नो बॉल अगर वो वाइड से लाइन से अगर आगे से बॉलिंग होता है तो नो बॉल होता है, लाइन से आगे। अच्छा, यहाँ पे लेग साइड कौन सा है और ऑफ साइड कौन सा है? लेग साइड ये जिधर से बैटिंग हो रहा है और ऑफ साइड जिधर से नहीं हो रहा। आप समझ सकते हैं कि महिला सशक्तिकरण की जब भारत में बात होती है तो बच्चियां भी आज क्रिकेट देखती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिला क्रिकेट भी अब अपनी ऊंचाइयों को छूने के करीब पहुंच रहा है। आपको पता है क्रिकेट के बारे में कुछ? जी। क्या, कितने ओवर होते हैं, कितने बॉल होते हैं? कितने ओवर होते हैं आज के डेट में? तो ओवरों का पूरा वो 20-20 भी होता है, कभी 18 का भी होता है, ऐसे होता है। एक ओवर में 6 बॉल भी होता है, एक ओवर में 3 बॉल भी होता है। नहीं नहीं, 3 कहाँ से होता है, 6 ही होता है। सिक्स होता है, और यदि उसमें एक नो बॉल पड़ गई तो फिर कितने बॉल? नहीं तो वही सिक्स ही काउंटिंग होता है। यदि हो गई तो फिर कितने? कोई गिनती नहीं है उसका, क्या नो बॉल पड़ेगी? हाँ हाँ, 7 गेंदें पड़ जाएगी। नहीं, सिक्स ही लेकिन करते हैं। आपको कितना समझ? और इस तरह बाल बचे प्रेम शंकर। क्या बोले हम, कितना समझ में आता है क्रिकेट? थोड़ा बहुत समझ में आता है। कितना? मतलब जैसे कि देखकर इंटरेस्ट होता है, मतलब देखने का जिज्ञासा होता है कि अच्छा लग रहा है।
देखते हैं। 11 प्लेयर खेलते हैं ठीक है, एक एक्स्ट्रा में रखा जाता है, आखिर क्यों रखा जाता है? अगर किसी को चोट उठ आ जाए, नहीं खेल पाए, नहीं ना दौड़ पाए, इसलिए रखा जाता है उनको। तो जो एक्स्ट्रा रखा जाता है वो भी बैटिंग कर सकता है क्या? नहीं, लगातार वाइड क्या करेगा की वो, जब किसी का चोट लगेगा तब वो खेलेगा, नहीं तो कोई नहीं खेलेगा। मतलब वो लेबर जैसा होता है ना? अब आप कुछ मतलब एक प्लेयर रखते हैं, मतलब जब जरूरत पड़ेगा तो वो खेलेंगे। चल भाई मैं घायल हो जाऊंगा, तू मेरी जगह फील्डिंग कर, आराम से पेवेलियन में बैठ के। चलिए, महिलाएं भी क्रिकेट में इंटरेस्ट ले रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि आज जो जज्बा खेल के प्रति, पहले कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन इस 21वीं सदी में वो धारणा कहीं ना कहीं बदल गई है। पहले की एक धारणा थी कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब, लेकिन जैसे जैसे सदी आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे तमाम गांव की बच्चियां और बच्चे जब आगे निकल रहे हैं, तो शहरों में रहने वाले माँ बाप भी जो अपने बच्चे को MBA और डॉक्टर और इंजीनियर बनाना चाहते थे, वो भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो अब वो कहानी बदल रही है कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे होगे खराब। अब वो कहानी इस तरीके से चल रही है कि खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, पढ़ोगे लिखोगे फिर भी कहाँ पहुँचोगे जनाब। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए। अधिकतम स्कोर 113 हो। और ये कैच दो टीम है, सारे खिलाड़ी और अरे ये लेजेंड हैं बिहार के, और जब एक जगह मिले हैं क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए गेट टुगेदर में, किसी न किसी स्तर पे सबने खेला है क्रिकेट। भांजा पर बाल बाल बचे, और मैदान में जैसा हम दिखा रहे हैं क्रिकेट चल रहा है अभी। चलें